नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चंदबाद क्षेत्र में अनुसूचित जाति की लड़की से दुष्कर्म का मामला आज काफी बढ़ गया। इस घटना को लेकर के आज दिन में बड़े राजनीतिक उठापटक वाला रहा। सुबह से ही ये खबर चर्चा में थी। वहीं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने वाले थे। इस खबर के फैलते ही हाथरस से नोएडा गाजियाबाद तक पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। दिल्ली से यूपी जाने वाली सभी सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। इसके बाद क्या था, दिन में एक ऐसा समय भी आया जब पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी का काफिला रोक दिया और वह पैदल ही यमुना एक्सप्रेस पर निकल पड़े, जिसकी उम्मीद भी शायद पुलिस को भी नहीं थी। आगे जाकर पुलिस और राहुल व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी धक्कामुक्की हुई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इससे रोड पर गिर गए। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास वायरल वीडियो। कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने की। यहाँ पर लाठी भी जो है कहीं ना कहीं चलाई जा रही है, इस तरह की लाठी चलाते हुए यहाँ से जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी आगे जा रहा है, कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो हाथ से और बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ पर कि यमुना एक्सप्रेस है, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के।